आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी वन द्वेश्चन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन 2x एक्स इज टू वाई स्क्वायर एज सोन इन द फिगर ए रेट ट्रेवलिंग होरिजोनटल बिकम्स द वर्टिकल आफ्टर रिफ्लेक्शन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर राइट

तो यहाँ पे देखो कैसे हम कोऑर्डिनेट यहां पे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले यहां पे बच्चो जो इक्वेशन गेमन है हमें यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो क्या दे रखा है तो यहाँ पे हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका इक्वेशन दे रखा है बच्चों टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है राइट right? इक्वेशन है यहाँ पे हमारा ये

ओके द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है यहाँ पे हमारा ये हमें देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे राइट right. तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं हम एक नॉर्मल ड्रो कर देते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर राइट right. तो जहां पे ये इंसिडेंस हो रहा है यहां से देखो रे इंसिडेंट हुई देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई वर्टिकल हो गई राइट right. तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं ड्रो करूं तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल हो गया राइट right. और एज वी नो दैट कि यहाँ पे ये अगर मैं मानू बच्चों ये हो गया अपना इंसिडेंट रे ये हो गया यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ से नॉर्मल रे ओके तो बच्चों एज वी नो दैट कि जो अपना लोअर रिफ्लेक्शन होता है तो लोअर ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है कि जो अपना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ आई जो होता है बच्चों, वो एंगल ऑफ आर के इक्वल होता है, राइट। right. और यहाँ पे क्या होता है हमारा नॉर्मल रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आर लाइन आ सेम प्लेन ओके तीनों कैसे होते हैं सेम प्लेन में होते हैं राइट right. तो यहाँ पे बच्चों इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं आई और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्टेड रे है उसके भी जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आर राइट अब यहां से देखो ऑरिजेंटल के बाद ये परपेंडिकुलर हुआ यानी कि 90 डिग्री का हुआ ओके सो एज वी नो दैट कि यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ आई है एंगल ऑफ आर है शुड बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हमारा फोर्टी डिग्री हो गया राइट right. दोनों क्या हो गया फोर्टी डिग्री हो गया यहाँ से राइट right. अब यहाँ पे देखो बच्चो अगर यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रो कर दू इसका राइट right. यानी कि इस इक्वेशन का टू एक्स दे रखा है इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे राइट तो टेंजेंट कैसा होगा बच्चों यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा राइट यानी कि यहाँ पे हम स्लोप देख रहे हैं ओके तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो स्लोप होगा यहाँ पे हमारा वो कितना होगा यहाँ पे देखो बच्चों सो ये इक्वेशन दे रखा है 2x एक्स इज टू वाई स्क्वायर राइट और यहाँ से बचो अगर इसको हम देखें इसको डिफ्रेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में सो ये आ जाएगा 2x कट uh, हुआ जाएगा और ये आ जाएगा 2y और इन में आ जाएगा बच्चों यहाँ से हमारा dy वाई वाई डी एक्स ओके सो बच्चो डी वाई क्या होता है यहाँ पे हमारा ये स्लोप होता है ओके okay, ये क्या होता है यहाँ पे हमारा स्लोप होता है राइट right. अब यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप देखें क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ आई और आर जो है यहाँ पे हमारा तो टेंजेंट जो है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि टेन थीटा टेन फोर्टी फाइव डिग्री तो यहाँ पे स्लोप जो होगा बच्चों यहाँ पे हमारा वो प्लस माइनस वन होगा ओके क्योंकि वन जो होता है यहाँ पे टेन फोर्टी फाइव और टेन वन थर्टी फाइव की वैल्यू या, यानी कि यहाँ पे हमारा स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन राइट तो यहाँ से देखो बच्चों, जो स्लोप है हमारा वो कितना है dy वाई डी एक्स यहाँ पे प्लस माइनस वन के इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो y है वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से हमारा प्लस माइनस वन के इक्वल आ गया राइट right. तो बच्चों यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल गई प्लस माइनस वन राइट अब यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे ठीक है तो y की वैल्यू प्लस माइनस वन है तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा सो वी कैन से x की वैल्यू यहाँ से हाफ आ जाएगी क्योंकि अगर माइनस वन भी रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली वन आएगा और प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली वन आएगा सिंप्लीफाई करने पे ठीक है तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है हाँ, हाफ तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्योंकि हमें इंसिडेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने थे यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू देखनी थी यहाँ पे बच्चों तो एक्स की वैल्यू आ रही है हाफ और वाई की वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारी वन तो अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं पे कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तो बच्चों तो से, like so से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर